गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3F देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखिए क्या करना है हमें, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 100। जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है, इन डिजिट्स को आप क्या करोगे, राउंड टू द नियरेस्ट 100 निकालोगे बेटा, उसके बाद उसका सम करोगे आप, ठीक है। कैसे करना है इसको देखिए, राउंड टू द नियरेस्ट 100, हम टेंस, राउंड टू द नियरेस्ट टेंस, राउंड टू द नियरेस्ट 100 और राउंड टू द नियरेस्ट 1000, ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं बेटा। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर का राउंड टू द नियरेस्ट 100 कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें यदि राउंड टू द नियरेस्ट 100 आपको निकालना नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे इनको। तो देखिए 483 का राउंड टू द नियरेस्ट 100 क्या निकलेगा बेटा, वंस प्लेस और टेंस प्लेस, इन दोनों को तो क्या बना दोगे, जीरो बना दोगे। और 100 प्लेस पे जो नंबर है वो टेंस प्लेस पे डिपेंड करेगा कि वो चेंज होगा या नहीं। ये नंबर 5 से बड़ा है तो ये चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ 8 है तो इसका राउंड टू द नियरेस्ट 100 क्या हो गया बेटा, 500 हो गया। 312 का राउंड टू द नियरेस्ट 100 क्या बनेगा बेटा, 300 बनेगा, क्योंकि यहाँ टेंस प्लेस पे क्या है, 1 है। यदि ये 5 या 5 से बड़ा होता तो ये चेंज होगा। एस्टिमेटेड सम क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है। आपको एक्चुअल सम नहीं पूछा है इसमें तो आप नहीं निकालेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि फाइंड एक्चुअल सम एंड राउंडिंग सम, तब आप दोनों तरफ से ऐड करोगे, अदरवाइज दोनों तरफ ऐड करने की जरूरत नहीं है जब आपसे राउंड टू द नियरेस्ट 100 सम ही पूछा है तो, ठीक है। बी पार्ट है 724 राउंड टू द नियरेस्ट 100 निकालना है। इसमें भी बेटा राउंड टू द नियरेस्ट 100 आप निकाल दोगे, 724 का क्या होगा, 700 होगा, क्योंकि टेंथ प्लेस पे क्या दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है, तो ये 7 चेंज नहीं होगा। राउंड टू द नियरेस्ट 100 587 का क्या बनेगा बेटा, 600 बनेगा, क्योंकि यहाँ 8 है, 8 5 से बड़ा है। यदि ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो 100 प्लेस वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसका राउंड टू द नियरेस्ट 100 क्या बनेगा, 600 बनेगा, और आप इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये एस्टिमेटेड सम है बेटा, ये एक्चुअल सम नहीं है। एक्चुअल सम तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब आएगा, क्वेश्चन में हमसे एक्चुअल सम नहीं पूछा है, ठीक है। सी पार्ट है 809 199, इसका राउंड टू द नियरेस्ट 100 क्या आएगा बेटा, 800 ही आएगा। इस 9 को देख के इसको चेंज मत कर देना, हमें सिर्फ टेंस प्लेस वाला नंबर ही देखना है, वंस प्लेस वाला नंबर नहीं देखना है। टेंस प्लेस वाला नंबर यदि 5 से छोटा है तो 100 प्लेस वाला नंबर चेंज नहीं होगा। 199 का बेटा 200 आएगा, क्योंकि 9 की ये दोनों तो क्या बन जाएंगे, 0, और यहाँ 1 में क्या ऐड होगा, 1 ऐड होगा, तो ये 200 बन जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ठीक है। इनका एस्टिमेटेड सम क्या हो जाएगा बेटा, 1000 हो जाएगा, 8 + 2 = 10 होता है, ये 0 आएगा। डी पार्ट देखिए 677 और 425, इनका राउंड टू द नियरेस्ट 100 क्या आएगा, 677 का बेटा 700 आएगा, क्योंकि टेंस प्लेस पे क्या दिया हुआ आपको, 7 है, ये 5 से बड़ा है, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7, तो 700 हो गया। 425 का 400 आएगा राउंड टू द नियरेस्ट 100, क्योंकि यहाँ टेंस प्लेस पे 2 है, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनका एस्टिमेटेड सम क्या आ गया, 4 + 7 कितना हो गया, 1100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 932, तो राउंड टू द नियरेस्ट 100 बेटा इसका क्या आएगा, 900 आएगा, क्योंकि यहाँ टेंस प्लेस पे क्या है, 3 है, तो 100 प्लेस वाला नंबर चेंज नहीं होगा। यहाँ आप देखिए 78 का राउंड टू द नियरेस्ट 100 क्या बनेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ क्या है, 0 है, ठीक है। ये मत सोचना 78 का तो राउंड टू द नियरेस्ट 100 निकलेगा ही नहीं, ये तो 3 डिजिट का नंबर नहीं है। आपको क्या करना है, वंस और टेंस प्लेस को क्या बना देना है, 0 बना देना है। 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स वहां 0 तो है, ठीक है। यहां ये 7 है तो यहां क्या बन जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, 0 में 1 को ऐड करोगे, क्योंकि ये नंबर 5 से बड़ा है, तो ये राउंड टू द नियरेस्ट 100 78 का क्या बनेगा बेटा, 100 बनेगा, ठीक है। 900 और 100 को जोड़ेंगे तो 1000 बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप 572 का राउंड टू द नियरेस्ट 100 क्या आएगा बेटा, 600 आएगा, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, 7 है, ये 5 से बड़ा है, तो 100 प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद 196 का भी 200 आएगा, क्योंकि यहाँ 9 है, 5 से बड़ा है, तो 100 प्लेस वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 600 प्लस 200 क्या हो गया बेटा, 800 हो जाएगा। उसके बाद 730 का राउंड टू द नियरेस्ट 100 क्या आएगा, 700 आएगा, क्योंकि ये 3 है, ये 5 से छोटा है, इसमें चेंज नहीं होगा। 217 का भी राउंड टू द नियरेस्ट 100 क्या आएगा बेटा, 200 ही आएगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। यहाँ भी टेंस प्लेस पे क्या है आपको, 1 दिया हुआ है, और 1 है, तो ये चेंज नहीं होगा। इस 7 को देख के चेंज मत कर देना, ये ध्यान रखना, राउंड टू द नियरेस्ट 100 में नंबर 100 प्लेस वाला चेंज होगा या नहीं होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, टेंस प्लेस वाले नंबर पे डिपेंड करेगा, वंस प्लेस पे नहीं, बस यही ध्यान रखना है आपको।
एच पार्ट है 805, राउंड टू द नियरेस्ट हंड्रेड क्या है, 800 हो जाएगा, 585 का राउंड टू द नियरेस्ट हंड्रेड क्या हो जाएगा बेटा, 600, एस्टिमेटेड सम क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, ठीक है। 663 का 700 बनेगा क्योंकि यहाँ 6 है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 405 का 400 बनेगा क्योंकि यहाँ 0 है, तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बेटा वो सारे एक जैसे ही हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वर्कशीट जो हमें दी हुई है, वर्कशीट में वही क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज में किए हैं, तो वर्कशीट बेटा आप अपने आप सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है, सभी वही क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में आ चुके हैं। थैंक यू।